और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अभी जिसका विचार इसमें नहीं हुआ था, जो आज हमने सुझाया है कि हम लोग नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा और नागपुर से गोंदिया, नागपुर से अमरावती, ये पूर्व को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ रहे हैं और इसको अनुमति मिल गई है। अब इसमें मेरे अंदाज से 5 साल के बाद 100 मेट्रो कम से कम चलेगी। और ये जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ के 5 जिले और पश्चिम विदर्भ का एक अमरावती का जिला, और ये मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये लोग इतने 6 जिले के लोगों को कहीं भी जाना है, हवाई जहाज से जाना है या दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तो ब्रॉडगेज मेट्रो से आएंगे जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो 1.25 घंटे में अमरावती से नागपुर आएंगे। और इसका इकोनॉमी का टिकट ST के बराबर का होगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो बिजनेस क्लास और तो साधारणता आज इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था 1.5 लाख की कैपेसिटी, वो कम से कम 5 लाख लोग रोज स्टेशन पर आएंगे। और ये नागपुर का सही में मल्टी मॉडल हब बनेगा और इसमें एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। आज उसके डिटेल प्लानिंग की चर्चा हुई स्टेशन है, पर आज ये 1.5 लाख कैपेसिटी का लेकर बना था, पर ब्रॉडगेज मेट्रो के कारण और मेट्रो में भी अभी 3.5 लाख कैपेसिटी मेट्रो की होने की संभावना है। अगले 15-20 साल को सोचते हुए इसको कम से कम 5 से 7 लाख की कैपेसिटी करनी होगी और बुलेट ट्रेन भी यहाँ आएगी। तब ये प्लान किया था, ब्रॉडगेज मेट्रो विजुअलाइज नहीं की थी, तो ये सब देखते हुए इसको फिर से एक बार थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी 1200 करोड़ इसको मंजूर है ऑलरेडी, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जिसका मैं मंत्री हूँ, मेरे विभाग ने 1200 करोड़ दिए हैं, जगह रेलवे ने दी है, और फिर इसमें कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट करके हम लोग जो रेवेन्यू आएगा वो इसी में डालेंगे, और ये सेल्फ सस्टेनेबल भी होगा। और रेलवे की जो कंपनी है वो और हम NHI, ये दो मिलकर जॉइंट वेंचर में एक SPV हमने बनाई है, वो इसकी मालिक होगी, और महाराष्ट्र सरकार से भी लैंड मांगकर डेवलप करेंगे, उनको भी पुनर्वसन अच्छा करके देंगे, और जमीन के लिए भी क्या उनसे जो भी है जैसी बात है, क्योंकि हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए मांग रहे हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए नहीं मांग रहे। आपको पता होगा कि दिल्ली और मुंबई के बीच में हमने 1 लाख करोड़ का हाईवे बना रहे हैं और लैंड एक्विजिशन पूरी हो गई, और JNPT से लेकर दिल्ली तक, और मुझे बताते हुए खुशी हुई कि 1 लाख करोड़ का हाईवे का 50% काम हो गया है, और 1.25 साल में मैं तो इनको पीछे पड़ाऊँ कि 1 साल में पूरा करो। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैंने बना लिया, पर ये महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस के सहयोग से मेरे घर के सामने केड़ीबाग रोड 7 साल से नहीं बना पाया। केड़ीबाग रोड बन रहा है, मैं भी सजा के रूप में महल में अभी तक रहने के लिए नहीं जा पाया हूँ, जब रोड बनेगा तो रहने के लिए जाऊंगा, मैं महल छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मैं स्टेशन को उधर ही मेडिकल चौक से ही आने वाला हूँ, तो मैं ज्यादा दिन इधर भी ये रेलवे लाइन के इधर नहीं रहने वाला हूँ, उधर जाने वाला हूँ। इंडिया में जैसे इटली में आप जाते हैं, तो रोम में मुझे ज्यादा अनुभव है कि ऐसे ये होटल का जो हॉल है इससे 10 गुना बड़े ऐसे चौक होते हैं, लोगों में बेंच पड़े हुए हैं, कई ये है रेस्टोरेंट्स है, मार्केट एरिया है, पेड़ लगे हुए हैं, और लोग दिन भर वहाँ घूमते रहते हैं, और फिर स्टेशन है इधर। तो इस प्रकार का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये बनाने के लिए ये जो लैंड मिलेगी, इससे धीरे धीरे नागपुर की सब एक्टिविटीज यहाँ होगी। अब इसमें 350 रेस्टोरेंट नागपुर के पुराने स्टेशन के 3 किलोमीटर के परिघ में आते हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसमें पूरी तरह नागपुर में गरीब लोगों के लिए फूड मॉल, जो फुटपाथ पर खाते हैं उनको उसी रेट में अच्छी जगह बैठकर खाने की सुविधा हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, मार्केट एरिया हो। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो जाते जाते आपको रेस्टोरेंट लगते हैं, दुकानें लगती हैं, आप मॉल लगते हैं, सामान भी खरीद सकते हैं, तो ये पूरी तरह इसी प्रकार से रेस्टोरेंट और होटल भी बने। तो इसी स्टेशन के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की बसेस यानी ST की बसेस, स्टेट मध्य प्रदेश सरकार की बसेस, फिर प्राइवेट बसेस, और इसके साथ सिटी बसेस, इसका सेंटर, मेन सेंटर इसी के अंदर होगा, ताकि यहाँ से बस नागपुर शहर में जाएगी। फिर नागपुर मेट्रो जो है इसका स्टेशन भी इसको लिंक होगा, तो उस भाव से ये हो रहा है।
और मेरे डिपार्टमेंट 1200 करोड़ इसमें फर्स्ट फेज में खर्चा कर रहा है। फिर इसके बाद जब और पैसा जनरेट होगा तो रेलवे की कॉरपोरेशन जो है वो आरटीएनएल ना आरबीएनएल और एनएचआई दोनों मिलकर एक बनाकर ये हमने एक ये बनाया है ज्वाइंट वेंचर में, और वो ये कंपनी बनेगी, एसपीवी बना रहे स्पेशल व्हीकल, और ये दोनों इसके मालिक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, ये कोई इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, जनता के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है, और इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करिए। मैं परिचय कर देता हूँ, मनोज कुमार हमारे मेंबर है एनएचआई के और ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं। इसमें पेड़ के बारे में काफ़ी आप लोग भी लिखते हैं, तो पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर में अब इसी स्टेशन में आज जेसीबी कंपनी के एमडी को मैंने बुलाया था, और मैंने जेसीबी के कंपनी को कहा है कि ये जो स्टेशन बनेगा यहाँ जब काम होगा तो डीजल काफ़ी फूका जाएगा जिससे पोल्यूशन होगा, तो सीएनजी के ऊपर यहाँ के मशीन चले सब, ताकि नागपुर में पोल्यूशन ना हो, और इसी स्टेशन में हम लोग एलएनजी सीएनजी और पेट्रोल डीजल के स्टेशन भी बनाने की सूचना की। फिर ई रिक्शा है वो भी इसमें आएगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग को भी करने की बात कही, स्कूटर के लिए भी पार्किंग की बात की है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने ये तय किया है कि इसका फिर से रीअध्ययन करेंगे और कम से कम पेड़ कटे, इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही घूमूंगा ताकि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं, और मैंने महापौर साहब को कहा कि उनकी गाड़ी भी वो सीएनजी पर कन्वर्ट करें, और पूरे नागपुर में नागपुर कॉरपोरेशन मेयर डिप्यूटी, ताकि नागपुर ये प्रदूषण से मुक्त हो, स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर और ग्रीन नागपुर, हिंदुस्तान के नंबर एक की ग्रीन सिटी बने, और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हमारी प्राथमिकता है, वो पहले ही है, तो इसलिए ये स्टेशन जो होगा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जो ब्रॉडगेज मेट्रो का आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, तो स्वाभाविक रूप से नागपुर का पूरा जो इसका जो चित्र है वो पूरा, इसका प्लान अभी ये रखा है, बहुत सुंदर है।